सड़क पर दौड़ती खुली जीप, बारिश का मौसम, शुरू के 13 सेकंड का ये वीडियो किसी फिल्म का सीन लग रहा है, लेकिन अब जैसे ही ये वीडियो आगे बढ़ता है तो इसमें आपको जीप के पीछे एक पुलिस की गाड़ी भी नजर आएगी जिस पर लिखा है राजस्थान सरकार। कभी जीप आगे और पुलिस की गाड़ी पीछे, तो कभी पुलिस की गाड़ी आगे और जीप पीछे, ऐसा लग रहा है मानो किसी साउथ फिल्म की शूटिंग हो रही है। खैर, ना तो यहाँ कोई फिल्म की शूटिंग हो रही है और ना ही पुलिस की गाड़ी इन युवकों के पीछे पड़ी है, बल्कि पुलिस तो इन युवकों की सुरक्षा में है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये पुलिस इन युवकों की सुरक्षा में ही है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसे कौन से ये आईएएस आईपीएस हैं जो इनकी सुरक्षा में पुलिस की एस्कॉर्ट लगी है, और वो भी तब जब ये युवक रील बना रहे हैं। तो चलिए अब आपको गाड़ी पर बैठे इन महाशय का परिचय करवा देते हैं। ड्राइविंग सीट पर बैठे युवक का नाम चिन्मय उर्फ आशु बैरवा और उनके बगल में बैठे युवक का नाम कार्तिकेय भारद्वाज है। चलिए अब दोनों की फैमिली बैकग्राउंड की भी बात करते हैं। आशु बैरवा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के सुपुत्र हैं, तो वहीं कार्तिकेय भारद्वाज कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज के। एक मुहावरा है, संयम भय कोतवाल तो डर काहे का। वैसे समय के साथ इस मुहावरे के साथ थोड़ा अपडेट वर्जन में आई कॉमेडियन जाकिर की फिल्म चाचा विधायक हैं। एक तरफ कोतवाल, दूसरी तरफ विधायक, लेकिन जब पिता प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हों तो फिर क्या कोतवाल और क्या विधायक ही, जलवा जलाल तो लगना ही चाहिए। खैर, बात सिर्फ 27 सेकंड के इस वीडियो पर खत्म नहीं होती। अब जरा ये वीडियो देखिए। एक नामी कार के शोरूम में शान से एंट्री लेते उप मुख्यमंत्री जी के बेटे, साथ ही उसका लाव लश्कर ऐसा कि साउथ का हीरो भी चाय कम पानी ज्यादा लगे। अब बारी थी कार चूज करने की, कार पसंद की गई, फिर उसका पेमेंट किया गया और फिर धमाकेदार तरीके से शोरूम से एग्जिट ली गई। यहां भी गौर करने वाली बात ये कि पुलिस की स्कॉर्ट के साथ पुलिस के जवान उनके साथ मौजूद रहे। चलिए अब जरा आपको प्रदेश के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के बारे में बताते हैं। प्रेमचंद बैरवा का जन्म साल 1969 में एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। घासफूस की झोपड़ी वाला घर था। पिता रामचंद्र बैरवा के पास खेती के लिए थोड़ी जमीन थी, जो परिवार को पालने के लिए काफी नहीं थी। इस वजह से प्रेमचंद बैरवा कम उम्र में ही काम करने लगे। काम के साथ साथ अपने साथ साथ दूसरों के खेतों में भी काम किया करते थे। इसके अलावा बैरवा ने बकरी चराने, मजदूरी करने और सिलाई करने का भी काम किया। फिर सिलाई के साथ साथ कपड़ों के निर्यात का काम भी शुरू कर दिया। वहीं क्षेत्र का स्थापित व्यापारी बनने से पहले उन्होंने 3-4 साल तक LIC एजेंट के रूप में भी काम किया। जब पैसा बनने लगा तो प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करने लगे। फिर राजनीति में भी उतर गए। कॉलेज के दिनों में ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में सक्रिय हो गए और 24 साल की उम्र में BJP ज्वाइन कर ली। यहां भी उन्हें कामयाबी मिलती गई और 2013 में पहली बार विधायक बने। शुरुआती जीवन गरीबी में बिताने वाले प्रेमचंद बैरवा अब करोड़ों के मालिक हैं। उनके पास सोना चांदी, घर गाड़ी और काफी जमीन है। वो कृषि योग्य 3 करोड़ रुपए की जमीन के मालिक हैं। 55 लाख रुपए की गैर कृषि भूमि है। प्रेमचंद बैरवा के 9 बैंक खातों में 3,83,871 रुपए हैं। खुद के पास 200 ग्राम सोना और पत्नी के पास 250 ग्राम सोना। वहीं पत्नी के पास लाखों रुपए की गाड़ी और वो एक पेट्रोल पंप के डीलर भी हैं।